इफ 5x बाय 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x बाय 5, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू को निकालना होगा। तो चलिए हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। 5x बाय 3, मैं अगर 2x बाय 5 को यहां पे शिफ्ट कर दूं तो माइनस 2x बाय 5, और माइनस 4 को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज प्लस 4। नाउ अब मेरे को इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। मैं अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 कर देता हूं तो यहां पे मेरे को इन दोनों को ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना आएगा। तो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा 25x माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6x इज इक्वल टू 4। सो 25 माइनस 6 इज 19x। अब ये जो 15 है ये ट्रांसपोज होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 15 फोर जा 60। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू को निकालूं, x की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 60 बाय 19। तो x की वैल्यू होगी 60 बाय 19। अब मुझे वैल्यू चाहिए 2x माइनस 7। सो 2x की वैल्यू होगी 60 बाय 19 माइनस 7। अब जब भी मैं इसको सॉल्व करता हूं, चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं जल्दी से। 120 बाय 19 माइनस 7। अब 19 मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मुझे एक सेम डिनोमिनेटर चाहिए। इसको सॉल्व करके आएगा 120 माइनस 133 बाय 19। सो करेक्ट आंसर इज माइनस 13 बाय 19। चलिए देखते हैं यह कौन सा ऑप्शन है। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।